हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू टेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ आप किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक में से अपडेट करेंगे, सर क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च पर आपको टैप करना है यूएन लॉगिन, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे आएगी, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आपके पास नजर आता होगा एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को यहाँ से ऊपर से आपको क्रॉस करना है या तो फिर नीचे नजर आता ओके तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पीएफ अकाउंट बैंक को अपडेट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। उसके लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा पहला कॉलम आपको फिलअप करना है, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा दूसरा कॉलम में फिलअप करना है, उसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता हो साइन इन, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं, तो जो भी ओटीपी आता है यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए आपके पास नजर आता होगा सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक अलर्ट शो जाता है, अगर आप इस अलर्ट को पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ सबको क्रॉस करना है तो नीचे देखिए आपके पास दो ऑप्शन आता होगा, एक फील्ड नो एक लेटर का, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही लेटर पर क्लिक करेंगे फाइनली इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको बैंक को ऐसे अपडेट करना है, उसके लिए ऊपर में देखिए एक ऑप्शन नजर आता है मैनेज का, तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर तीसरा ही ऑप्शन नजर आता है केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है, यहाँ पे आपको बैंक को ऐसे अपडेट करना है। उसके लिए यहाँ पर नजर आता है बैंक, तो आपको बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपका डिटेल होता है वही डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेम एज पर बैंक अकाउंट, तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका नाम होता है वही यहाँ पे ऑटोमेटिक फेस कर लेता है और वही नेम आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, लिंक कर रहे हैं, उसका जो अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में आकर के वही अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना है जो ऊपर में फिलअप कर रहे हैं, वही सेम है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड होगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने डिटेल फिलअप किया उससे सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे वेरीफाई आईएफएससी पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आईएफएससी कोड वेरीफाई हो जाए, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे एक अलर्ट आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ आता होगा आईएफएससी वेरीफाई, देख सकते हैं यहाँ पे सेम है, आपको भी आईएफएससी एक बार वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है, कन्फर्म हो जाना है। देन आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका ब्रांच का नाम होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे फेस कर लेता है, बैंक का नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक फेस कर लेता है। उसके बाद आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंसर्न देना है, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, देन आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर जनरली एक ओटीपी भेज दिया जाता है, जैसे कि ऊपर में देख सकते लिखा आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, तो इस मोबाइल नंबर जो भी ओटीपी आता है वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उससे पहले एक बार डिटेल देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पे नाम और अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह फिलअप किए हैं क्या वो सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है, ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फाइनली आपका बैंक वैसे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक डायरेक्ट कर देता है केवाईसी वाला सेक्शन में। अभी जो आपने केवाईसी सबमिट किया उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं उसके लिए नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, उसी के नीचे जो भी आपने केवाईसी अपडेट किया उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ जाता है। सबसे मेन पार्ट होता है स्टेटस, स्टेटस में देख सकते हैं नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बताया किस प्रकार से अपना पीएफ अपना बैंक को सबमिट करेंगे, सर क्या प्रोसेस होता है। चलिए आप मैं आपको बता देता हूँ जो भी अपने बैंक को सबमिट किया है वो कितने स्टेप पे कहाँ कहाँ से अप्रूव होगा वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जो भी आप अपना पीएफ अपने बैंक को अपडेट किए हैं वो जनरली दो जगह से अप्रूव होता है, दो स्टेप पे ये अप्रूव होगा, ठीक है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम स्टेटस में देख सकते हैं लिखा हुआ रहता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, इसका मतलब यही होता है जो भी आप अपना पीएफ अपना बैंक को सबमिट किए हैं वो अप्रूवल के लिए आपके बैंक के पास गया है। बैंक तो जनरली दो से तीन दिन में ही आपका बैंक को ऐसे अप्रूव कर देगा, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाता है, तब यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा और स्टेटस में लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। अगर आपके पास स्टेटस में सो रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन
इसका मतलब यही होता है कि आपका जो भी आपने बैंक को ऐसे सबमिट किया फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी आपके एम्प्लॉयर के पास चला गया, तो जैसे आपका कंपनी आपका एम्प्लॉयर डीएससी सिस्टम से आपका बैंक का ऐसे अप्रूव कर देगा, उसके बाद फाइनल आपके पीएफ अकाउंट बैंक को सक्सेसफुल अप्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया कि इस प्रकार से ऑनलाइन तरीका से अपना पीएफ अकाउंट बैंक को ऐसे अपडेट करेंगे से क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैंने आपको स्टूडियो बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।